हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुरा जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के चुने हुए दास, जैसा कि गिनती की पुस्तक अध्याय 13 उसकी 30 आयत में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। मेरे प्रियो, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि आप चुने हुए हैं? लोग सोचते हैं कि जो प्रचारक है वही चुना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी चुने हुए हैं। बाइबल कहती है कि अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो आप एक चुने हुए व्यक्ति हैं। आप में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए परमेश्वर के पास एक उत्तम योजना ना हो। मेरे प्रियो, बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर इसराइलियों को ये दिखाना चाहता था कि जो देश मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसमें दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं। 12 लोगों को मूसा ने भेजा कि जाओ उस देश का भेद लेकर आओ, पर 12 में से 10 लोग ये कहते थे कि देश अपने कब्जे में करना आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग दिखने में दानव जैसे हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। यहोशू कहता है, ऐसा नहीं है, हम ये देश ले सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें देने के लिए बोला है। अगर आप अपने जीवन में उस योजना को पूरा करना चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से है, तो आपको अपनी आत्मिक आंखों से चलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, यहोशू ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वही किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। तब वही यहोशू मूसा के बाद इसराइलियों का अगुवा बना। आप क्या सोचते हैं कि जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है आप उसे आसानी से ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि शैतान योजनाएं बनाता है कि आप उसे ना ले सकें। बाइबल कहती है कि शैतान आपके पीछे हर समय लगा रहता है कि उसे कौन सा मौका मिले और वो आपको फाड़ खाए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोशू, मेरा दास मूसा अब मर गया है। एक ही बात परमेश्वर अपने दास यहोशू को कहता है कि हियाव बांध और दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा न होने पाए। तू बहुत हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि जो देश मैं इन इसराइलियों को देना चाहता हूँ तू अगुआ होकर इनकी अगुवाई करेगा और वो देश इन्हें तू लेकर देगा। आज जब किसी पर शैतान का अटैक होता है तो उनका हियाव खत्म हो जाता है, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहना पड़ता है? जो लोग परमेश्वर से नाराज रहते हैं कि मेरा वीजा नहीं आया, परमेश्वर ने मेरे मन के मुताबिक काम नहीं किया, ऐसे लोग परमेश्वर से कुछ नहीं ले पाते, परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं कर पाता। मेरे प्रियो, आपको लड़ना होगा और जीतना होगा और परमेश्वर में हियाव बांध कर चलना होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर जिसने आपको बनाया है वही आपको वायदे की जमीन पर लेकर जाएगा। अगर आप मसीही हैं तो परमेश्वर आपके छोटे से छोटे दुख को भी बड़े सुख में बदल देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके टूटे फूटे जीवन को बेहतर जीवन बनाए और टूटा हुआ मन लेकर उस पर राज्य करें, उसको राजा की तरह बनाए, ऐसा वो आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाते हैं तो वो आपके जीवन को बदल देगा और आपको विजयी करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने जीवन में यहोशू की तरह विश्वास में चलने पाऊँ और आपकी आज्ञाओं को मानूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।